बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं पोटैटो रोल्स। इसके लिए हाफ के जी आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब हम इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेते हैं ताकि उसमें सबसे पहले हम शामिल करते हैं फ्रेश हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। टू टेबल स्पून ग्रेट की हुई गाजर और 2 टेबल स्पून बंद गोभी हमने इसमें शामिल की है। ये देखिए, रोल्स तैयार करने के लिए हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हम लेते जाते हैं, जो आपको शेप पसंद है उस शेप के मुताबिक आप रोल्स जो है वो तैयार करती जाए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने रोल तैयार किया है। पकाया भी रोल मैं ऐसे तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तमाम रोल्स जो है हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करते हैं अंडे और ब्रेड के साथ। पहले हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डाल के इस तरीके से हम अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स का कोट कर लेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। इसमें सारे कोट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम रोल्स मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। वेज रोल तैयार करने के लिए ऑयल हमने पैन में डाल लिया। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना, क्योंकि हमने डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। ये देखिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ और डिशर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त से पोटैटो वेज गोल हमारे जो तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको लाजमी ट्राई करें और अपने रमज़ान को मज़ेदार बनाएं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।